दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों मिक्स क्वेश्चन सीरीज नंबर 5 जो हिंदी की सीरीज है ये लेकर के उपस्थित हैं, और आज की हमारी सीरीज है हिंदी की, जिसमें MCQ टाइप के टोटल 10 क्वेश्चन है और ये JMRC एग्जाम बेस्ड सीरीज है। तो दोस्तों ये रीट आर टेट सभी स्टेट की टेट, सी टेट, पटवारी, LDC, ग्राम सेवक और अन्य विभिन्न एग्जाम जिसमें हिंदी के सिलेबस होगा उसमें ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बने रहे इस वीडियो के साथ में लास्ट तक, लाइक शेयर करते रहें, और अभी तक अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करें, और जिन्होंने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उसको मैनी थैंक्स। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम प्रत्येक वीडियो में ये बात बताते जा रहे हैं आपको कि पोस्ट जो JMRC की पोस्ट है, स्टेशन मास्टर और ट्रेन ऑपरेटर, जिसमें हिंदी के टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं, और जूनियर इंजीनियर जिसको JEE बोला जाता है तो उसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल जो ट्रेड के अकॉर्डिंग है, और आगे जो कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट CRA जिसमें हिंदी के 10 क्वेश्चन होते हैं। और अब हम बात करेंगे मेंटेनर की। तो मेंटेनर में बात करें तो ट्रेड वाइज इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर, इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे हमने हाईएस्ट 10 क्वेश्चन लिए हैं और ये अन्य एग्जाम के लिए, रीट के भी लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पिछले कई एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलिए बात कर लेते हैं हम इससे आगे कि JMRC जो ओल्ड पेपर था उसमें आपको एक पद्यांश गद्यांश दोनों में से कुछ दिया गया था, और उसमें आपको दिए गए गद्यांश को पढ़ करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रश्न संख्या 1 से 10 तक। तो रीट में भी, रीट, आरटेट, सीटेट, इस सभी एग्जाम, तो सभी एग्जाम में आपको गद्यांश या कोई पद्यांश दिया होगा, उसके आधार पे आपको प्रश्न पत्र में से क्वेश्चन करने होंगे और उसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो आपके प्रश्न पत्र में एक अपठित गद्यांश या पद्यांश दिया होगा, लेकिन यहाँ पे हमने उस गद्यांश और पद्यांश को टाइप नहीं किया है, हमने क्वेश्चन बनाए हैं। तो ये क्वेश्चन सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की। आज का क्वेश्चन फर्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण कितने हैं। तो आपसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि मूल वर्ण कितने हैं, तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी, हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण की संख्या है 44। तो यहाँ पे हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण 44 होते हैं, जिसमें 11 होते हैं स्वर, और प्लस में जो 33 होते हैं व्यंजन, 33 व्यंजन होते हैं और टोटल 44 होता है, और ये हमारे 11 स्वर हो जाते हैं, 33 जो व्यंजन हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ये 52 जो ऑप्शन में क्या है। तो यहाँ पे अगर 52 की बात करें तो सबसे पहले तो 44 होते हैं मूल स्वर, और उसके बाद में 4 होते हैं संयुक्त वर्ण जिसमें क्षेत्रीय, त्रेतरसूल, गैज्ञानी और श्रेय सर्वण, उसके बाद में 2 होते हैं द्विगुण, और उसके बाद में 2 होते हैं अयोग वाह, और ये सभी जो अयोग वाह है जिसमें अनुस्वार, अनुनासिक, यानी प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर जिसको अनुनासिक बोला जाता है, तो ये सभी मिलकर के टोटल जो बनते हैं वो 52 होते हैं। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं, तब तो आपका ऑप्शन होगा 52, लेकिन आपसे पूछा जाता है कि मूल वर्ण कितने होते हैं तो 44 होंगे, स्वर कितने होते हैं, स्वर 11 होंगे और व्यंजन 33 होंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड, और क्वेश्चन सेकंड में कौन सा उदाहरण दीर्घ
संधि का नहीं है। तो यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो उदाहरण है वो दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। तो यहां पे ऑप्शन द प्रवेश उत्सव ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण नहीं है और ये है गुण संधि का उदाहरण। ये है ऑप्शन द में गुण संधि है। अब हम बात कर लेते हैं गुण संधि की। तो यहां पे इसमें ए प्लस ऊ मिलकर के ओ बना है और ए प्लस ऊ मिलकर के ओ बना है और इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है गुण संधि की। तो उसमें ए या ओ जो कि जब हम इन दोनों का संधि युक्त शब्द होता है प्रवेश प्लस उत्सव, तो जब संधि शब्द किया है तो यहाँ पे ओ की मात्रा या ए की मात्रा होती है। ये सबसे बड़ी पहचान है गुण संधि की। और ये जो छात्रावास है ये दीर्घ स्वर संधि है, पत्रांक ये भी है, परीक्षण ये भी दीर्घ संधि है। तो पत्रांक का संधि विशेष होगा तो ये हो जाएगा पत्र प्लस अंक, पत्र प्लस अंक हो जाएगा। और जो छात्रावास है तो ये छात्र प्लस में आवास हो जाएगा, छात्र प्लस में आवास। तो यहाँ पे ए प्लस आ मिलकर के आ बना है, दीर्घ संधि है। और यहाँ पे हमारे पास है परि प्लस इक्षण। तो इसमें हमारे पास जो परि प्लस इक्षण है तो इसमें छोटी ई और प्लस बड़ी ई मिलकर के बड़ी ई बन गई। तो ये परीक्षण ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पे उदाहरण जो नहीं है दीर्घ स्वर संधि का वो प्रवेश उत्सव है। वीडियो लाइक जरूर करना और शेयर भी करना। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न संख्या 3 में हिंदी वर्णमाला में अ घोष वर्ण कितने होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं अ घोष वर्ण की। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 6 जिसमें अ घोष वर्णों की संख्या 13 होती है। अब हम बात करेंगे कि अ घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अ घोष की वर्ग जो कि प्रत्येक वर्ग उसका प्रथम और द्वितीय व्यंजन, जिसमें प्रथम व्यंजन जिसे क ख, उसके बाद में च और छ, उसके बाद में जो आगे त और ठ, और उसके बाद में आगे जो हमारे यहाँ पे इसमें त थ, त और थ, और उसके बाद में प और फ। ये जो सभी वर्ण है ये पहला और दूसरा वर्ण है प्रत्येक वर्ग का, और इसके साथ में तीनों स यानी स स और स, ये सभी घोष वर्ण होते हैं। तो इसमें अगर आप याद रखना चाहे तो एक दो स स, एक दो स यानी पहला और दूसरा वर्ण प्रत्येक वर्ग का, पहला और दूसरा वर्ण और साथ में तीनों स, ये अ घोष होते हैं और अ घोष की संख्या होती है टोटल जो 13। और इसी के साथ में अगर हम बात करना चाहें ये जो हमारे पास ऑप्शन नंबर 31 दे रखा है 31, ये दे रखा है घोष वर्ण, इसको घोष कहते हैं या स घोष भी कहते हैं। और ये वर्ग का जो तीसरा चौथा और पांचवें पद में जो होते हैं, क्योंकि पहला और दूसरा तो हमने अ घोष में ले लिया, अब बचे कौन से तीसरा चौथा पांचवा, इनके वर्ण और य र ल व है। यहाँ पे य र ल व और है, क्योंकि तीनों स तो हो गए अ घोष में और स घोष में बचा है य र ल व और तीसरा चौथा पांचवा, ये सभी जो होते हैं ये स घोष वर्ण होते हैं। अब तीसरे चौथे और पांचवे में ग घ ड ज झ य ड ढ ण द ध न ब भ म, ये सारे वर्ण होते हैं, ये स घोष या घोष वर्ण होते हैं। और आगे हम बात करेंगे ये जो 25 है, 25 होते हैं स्पर्शी व्यंजन, ये स्पर्शी व्यंजन होते हैं क से म तक, जिनको
उच्चारण के समय हमारी जीभ है वो स्पर्श करती है, तो स्पर्शी व्यंजन है। कैसे मैं तक, ये स्पर्शी व्यंजन होते हैं 25। और अगर हम बात करें इन सात की, तो ये सात है ये दीर्घ स्वर है, सात दीर्घ स्वर होते हैं जिसमें बड़ी ई की मात्रा यानी आ, उसके बाद में बड़ी ई, उसके बाद में ए, आई, ओ और औ, ये सात हमारे पास से जो आते हैं, ये जो हमारे पास आते हैं, तो इसमें एक बड़ा ऊ भी है, ये बड़ा ऊ, तो ये सारे सात जो दीर्घ स्वर है, आ छोटी ई को छोड़कर के बड़ी ई, इसमें आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, ये सात होते हैं दीर्घ स्वर। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है, आंसर नंबर है ऑप्शन सी 13 नंबर। और अब हम चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न संख्या 4 में नीलकंठ में प्रयुक्त समास है। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्वेश्चन में टाइम थोड़ा ज़्यादा ही ले रहे हैं, लेकिन हम प्रत्येक जो ऑप्शन है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4, नीलकंठ में प्रयुक्त समास है, नीलकंठ में प्रयुक्त बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास में अब हम अगर बात करें कि नीला है कंठ जिसका, तो इसका अगर समास विग्रह किया जाए, तो यहाँ पे नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव यानी भगवान शिव। अब हम बात करेंगे बहुव्रीहि समास में कि दोनों पद में से किसी तीसरे पद का अर्थ निकलता है या किसी तीसरे पद की अर्थ की ओर संकेत होता है, और इसमें अन्य पद प्रधान होता है। और यहाँ पे हम बात करेंगे कि बहुव्रीहि समास में दोनों पद के अर्थ से कोई अन्य भिन्न अर्थ निकलता है। और अब हम चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। प्रश्न संख्या 5 में पेड़ से आम गिरता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कारक है, पेड़ से आम गिरता है में कौन सा कारक है। तो आपको कारक बताना है, और ये कारक हमारा आंसर है सह, आंसर सह अपादान कारक। और अपादान कारक का जो चिन्ह है वो से अलग, यानी हम कह सकते हैं कि जब आम पेड़ से गिर करके अलग हो जाता है, और अलग होने के भाव के लिए अपादान कारक, यानी इसको पृथक या अलग भी कहते हैं, से अलग या पृथक कारक, यानी जब कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग होती है, दूर होती है, तब अपादान कारक होता है। ऑप्शन सी सही है। और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। प्रश्न संख्या 6 में राम ने बड़ा सा घर बनाया प्रयुक्त विशेषण है। आपसे पूछा जा रहा है कि इस वाक्य में विशेषण कौन सा है, तो यहाँ पे बड़ा सा। अब अगर हम बात करें कि बड़ा, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर बे गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि बड़ा है ये एक, इसके साथ सा जुड़ने से गुणवाचक विशेषण बन जाता है। तो यहाँ पे बड़ा सा, और बड़ा सा में गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण में गुण है, स्वभाव है, रंग है, आकार है, ये सभी आ जाते हैं। परिमाणवाचक में थोड़ा, कम, अल्प, अधूरा या पूरा, ये कुछ, ये सभी आते हैं परिमाणवाचक में। और संख्यावाची में जैसे 2, 4, 10, ये सारी संख्यावाची है। सार्वनामिक विशेषण, तो सार्वनामिक विशेषण में आता है, इसमें वह, कौन, यही, ये सभी आते हैं। तो चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर है 7।
प्रश्न संख्या 7 में अनुज का विलोम शब्द कौन सा है? आपसे पूछा जा रहा है कि अनुज का विलोम शब्द कौन सा है। अनुज का विलोम शब्द है अग्रज। यहां पे अनुज का मीन्स होता है छोटा और अग्रज का मीन्स होता है बड़ा, या हम कह सकते हैं कि अग्रज इसका अगर अर्थ करे तो पहले जन्मा हुआ या पहले उत्पन्न हुआ, और अनुज जो कि बाद में उत्पन्न हुआ। तो अग्रज बड़ा होता है और अनुज छोटा होता है, अनुज का विलोम हो गया अग्रज। चलते हैं इसी के साथ में अगले प्रश्न की ओर। तो आगे हमारे पास प्रश्न संख्या है 8, और प्रश्न संख्या 8 में आपसे पूछा जा रहा है बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। यहाँ पे आपको ए बे से दे चार दिए गए, चारों में बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो ये ऑप्शन द विपर, विपर नहीं है, विपर ब्राह्मण का पर्यायवाची है, बाकी जो मेघ है, जलधर है और ब्लाहक है, ये सभी बादल के पर्यायवाची है, लेकिन विपर शब्द ब्राह्मण का पर्यायवाची है, ये बादल का पर्यायवाची नहीं है। आंसर हमारा द सही है। चलते हैं बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। आगे हमारे पास प्रश्न संख्या है 9। प्रश्न संख्या 9 में बाजार बंद है क्योंकि कोरोना का प्रभाव अधिक है। बाजार बंद है क्योंकि कोरोना का प्रभाव अधिक है, तो इसमें कौन सा वाक्य है? तो इसमें है मिसर वाक्य, मिसर या मिश्रित भी कह सकते हैं इसको, कहीं कहीं पे मिश्रित वाक्य भी लिखा होता है, तो आप मिसर या मिश्रित वाक्य है। अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले मिश्रित वाक्य क्या होता है। तो मिश्रित वाक्य में कि मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेयक, यानी एक वाक्य में एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेयक होता है, वो तो होता है हमारा सरल वाक्य, साधारण वाक्य, लेकिन मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेयक के अलावा एक या एक से अधिक समीपेय क्रियाएं होती है। एक प्रधान वाक्य और अन्य एक या एक से अधिक आश्रित उप वाक्य जुड़े होते हैं, तो ये योजक जो शब्द होते हैं, जो कि जहां ताकि क्योंकि, तो इसमें शब्द दिया गया है क्योंकि। जब आदि समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े होते हैं तो ये मिश्र वाक्य कहलाता है, यह मिश्रित वाक्य कहलाता है। अब आगे हम बात करने वाले सरल वाक्य, सरल वाक्य साधारण वाक्य, जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। अब हम बात कर लेते हैं संयुक्त वाक्य की। संयुक्त वाक्य इसमें एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, लेकिन वो तथा, किंतु, परंतु, लेकिन आदि शब्दों से जो कि समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े होते हैं, तो यहाँ पे हमारा उत्तर मिश्र या मिश्रित वाक्य है। अब हम चलते हैं बात कर लेते हैं क्वेश्चन अगले की। आगे हमारे पास है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में विद्वान शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो विद्वान शब्द है इससे भाववाचक संज्ञा कौन सी बनी हुई है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, ये है विद्ता। विद्वान शब्द की भाववाचक संज्ञा है विद्ता। और इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहे और नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद। जिन्होंने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उनको थैंक्स, आज के लिए थैंक्स।